खास खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रिला डेली एक्टिव 41 पोषण तत्वों से बना न्यूट्रास्यूटिकल्स। सह प्रायोजक हैं न्यूट्रिला बोन हेल्थ 100% नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट हड्डियों की मजबूती के लिए, डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। सीएम जयराम ठाकुर का सराज दौरा, सराज विधानसभा क्षेत्र के बाली चौके पर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर, प्रदेशवासियों को दी बड़ी सौगात। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू का सीएम जयराम सरकार पर निशाना, कहा कि चुनाव जीतने के लिए बार बार मंडी जिला के दौरे कर रहे हैं सीएम जयराम। मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर के विधायक और प्रदेश भाजपा के महामंत्री राकेश जम्वाल ने ग्राम पंचायत बरौठी का किया एक दिवसीय दौरा। इस दौरे के दौरान स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक का किया जोरदार स्वागत। इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज के अंतर्गत तीर्थन नदी पर निर्मित स्पेन पुल का लोकार्पण किया। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम जयराम सरकार पर साधा निशाना, कहा कि गृह जिला मंडी का बार बार दौरे करने पर जोरदार उन्होंने हमला बोला। कहा अगर सीएम जयराम पहले ही इस दौरे को कर लेते तो वो सड़कों की यह हालत आज ना हो। जिला कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों ने की ज्वाइनिंग, जिससे जनता को मिली काफी राहत। प्रदेश सरकार ने भी आश्वासन दिया कि यहां पर शिशु रोग और रेडियोलॉजिस्ट के पदों को भी जल्द भरा जाएगा। मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर के विधायक और प्रदेश भाजपा के महामंत्री राकेश जम्वाल ने ग्राम पंचायत बरौठी का किया एक दिवसीय दौरा। इस दौरान यहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक का किया जोरदार स्वागत। मई को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का हमीरपुर जिले का दौरा। प्रतिभा सिंह खाजिया में उन्होंने किया जनसभा को संबोधित और प्रतिभा सिंह का किया गया जोरदार स्वागत। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कुल्लू जिला के मुख्यालय ढालपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विशेष कार्यक्रम का किया आयोजन। कुल्लू के ढालपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को याद किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज चौहान के द्वारा बीते दिनों एक स्कूली छात्र को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। कांग्रेस से भी इस मामले में उपाध्यक्ष हंसराज को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की गई है। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के कार्यकारी अध्यक्ष ब्रजलाल ठाकुर ने कहा कि अब सरकार का अंतिम साल है और सरकार को गियर बदलकर हैवी गियर लगाकर गाड़ी चलानी चाहिए और कहा कि हमें जयराम सरकार से काफी उम्मीदें हैं और सरकार को छठे वेतन की सिफारिशें शीघ्र जारी करनी चाहिए। कीरतपुर मनाली फोर लेन पर दो वाहनों में हुई टक्कर हादसे के कारण हाईवे के दोनों ओर 4 से 5 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम है। हादसे के कारण वाहन चालकों को करना पड़ा भारी परेशानियों का सामना। 3 घंटे से अधिक समय तक जाम में फंसे रहे लोग। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित दुनिया के खूबसूरत स्टेडियम की गई खुदाई शुरू। एचपीसीए ने स्टेडियम के अंदर ही ड्रेनेज सिस्टम को फिट करने का लिया बड़ा फैसला। स्टेडियम के प्रबंधक की माने तो इस ड्रेनेज सिस्टम के इंस्टॉल होने पर बारिश के बाद महज 15 से 20 मिनट तक स्टेडियम को सुखाया जा सकेगा। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में हुआ बस हादसा जिसमें निजी बस हुई दुर्घटना का शिकार। बस में सवार थे करीब 25 लोग जिनमें से 15 लोगों को आई चोटें। घायलों को करवाया गया आर्मी अस्पताल में भर्ती। हिंदू जागरण मंच ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय नाहन में हाल ही में माजरा में हुए प्रकरण को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। हिंदू जागरण मंच ने जहां इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश सरकार द्वारा सड़क सुविधाओं को प्राथमिकता के तौर पर बेहतरीन बनाने का कार्य किया जा रहा है। चंबा जिला के अंतर्गत आने वाले तीसा लोक निर्माण विभाग मंडल के अंतर्गत कई पुलों का निर्माण कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कांगड़ा में डॉक्टरों की कमी से लोग परेशान। डॉक्टर ना होने के कारण अस्पतालों में बच्चों को नहीं किया जा रहा एडमिट। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी उठने लगे सवाल। टांडा मेडिकल कॉलेज का वीडियो आया सामने। वीडियो में घूमते दिख रहे हैं कॉकरोच। शिमला से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हमीरपुर में 1.24 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित सीटी स्कैन मशीन का किया लोकार्पण। धर्मशाला में खालिस्तानी झंडे लगाने का मामला। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए आरोपी आज होगी फिर से कोर्ट में पेशी। हमीरपुर के गांधी चौक में अपने सम्मान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार पर साधा निशाना। कहा कि सरकार पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में मात्र सीबीआई के नाम का गुणगान कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद वीरेंद्र कश्यप ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। कहा कि बैंक भी अनुसूचित जाति के बच्चों को ऋण देने से कर रहे हैं इनकार।
मंडी जिला के विकासखंड सुंदरनगर के तहत चमुखा पंचायत के पटियाला गांव में एक स्लेटनुमा मकान में लगी आग। मकान में आग लगने से करीब 8 से 10 लाख का हुआ नुकसान। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव तथा युवा कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष विवेक कुमार ने झंडूता विधानसभा क्षेत्र के विधायक को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि पिछले 4 वर्षों में इस विधानसभा क्षेत्र के धरातल पर कोई कार्य नहीं किया गया। राजस्थान का एक युवक बिलासपुर की रहने वाली एक लड़की के घर पहुंचा और देसी कट्टा निकालकर उसे शादी करने की जिद करने लगा, जिसके बाद समझा बुझाकर किसी तरह से उसके हाथ से पिस्तौल बरामद की गई। देश में कोरोना का कहर बरकरार। पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 3 मरीजों ने तोड़ा दम। पिछले 7 दिनों में 14,037 नए मामले आए सामने। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी को शुरू हुई जंग जारी। रूस ने दावा किया कि सेना ने यूक्रेन के मारियोपोल पर किया कब्जा। इसे रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अब तक अपनी सबसे बड़ी जीत बताया है। टीवी के पॉपुलर कपल जासमीन भसीन और अली गोनी करेंगे जल्द शादी। अली ने किया सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर, जिसमें उन्होंने जासमीन के साथ शादी को लेकर खुलासा किया है। बिहार में शुक्रवार को आंधी तूफान और बिजली गिरने से 16 जिलों में 33 लोगों की मौत हुई है। असम के 4 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और यहां तक बाढ़ और बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पच्चीस बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज हिमाचल के साथ। नमस्कार।